आज अगर आप मुझे हो गए काफ़ी वक्त काम करते वक्त इस इंडस्ट्री में, मगर लास्ट जो लास्ट मेरे जो बीस बीस मेरे ख्याल से हमको हो गए 17-18 साल, जो 17-18 साल अगर मैं टिका हूँ इस इंडस्ट्री में, तो सबसे बड़ा हाथ अनीस साहब का है उसमें। मैं सच्ची कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। ये इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, इनकी काबिलियत, इनका टैलेंट, इनकी राइटिंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने बहुत, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, बड़ा मैं लकी रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, के विश्वनाथ, बापू साहब, सुभाष घई साहब, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, विनोद चोपड़ा, इंटरनेशनल में भी थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि डैनी बॉयल हैं और अपना ब्रैड बर्ड हुए। 24 में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे फनकारों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मगर अगर मुझे कहा जाए कि कौन से दो तीन डायरेक्टर हैं जो आपके पूरे करियर में, जिनकी वजह से आपको करियर को बूस्ट मिला है, मैं अनीस साहब का नाम लहूंगा 100%। वो मैं जब अपनी बुक लिखूंगा तो उसमें अनीस साहब का नाम जरूर होगा कि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कॉमेडी के बारे में। जनरली कह रहा हूँ, इनकी राइटिंग, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अनीस साहब के फिल्मों में। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत मेहनत करता हूँ, इनकी राइटिंग, इनकी डायरेक्शन, इनकी सेंस ऑफ कॉमेडी इतनी ज़बरदस्त है कि हम लोग जब सेट पे आते हैं, कितनी बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने हमें सीन जिस तरह ये पढ़ते हैं, हमको पढ़कर सुनाते हैं, और हम लोग एग्जैक्टली उनको कॉपी करते हैं। मैं तो अनीस बजमी साहब को कॉपी करता हूँ, कितनी बार मैं अटक जाता हूँ, मैंने अनीस साहब आप बोलकर बताइए कैसे बोलना है, ये तो ऐसा अनीस साहब बचपन है मुझे, इनका। यानी अनीस साहब बोलते हैं और मैं एग्जैक्टली वैसा मैं कॉपी करता हूँ उनको। जेनरली मैं दिल से कह रहा हूँ आपको। और इनकी बहुत सी फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं, मेरे ख्याल से 99.9% सारी कामयाब रही हैं। एंड आज मैं दिल से कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मुबारका, अगर ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा और आप सब लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा, तो ये इनकी बेस्ट फिल्म होगी। थैंक यू वेरी मच।